एक और जहां हमारी सरकार गांव को शहर बनाने के लिए जोर शोर से कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी जिम्मेदारियों की लापरवाही के चलते बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कोई भी कार्य अभी भी नहीं किया गया। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है। कुछ ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया के इब्राहिमपुर ग्राम सभा के विक्रमवन से सामने आया, जहां पर 35 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव में आने जाने के लिए तहसील प्रशासन और प्रधान की लापरवाही के चलते सड़क नहीं बन पाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश छाया हुआ है और उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने मार्ग बनवाने के लिए हर तरह की कोशिश की, यही नहीं उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर हर संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से जानकारी दी है, और यही नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सत्ता पक्ष विधायक रोमी साहनी से भी मार्ग बनवाने के लिए गुहार लगाई है। इतने वर्षों के बावजूद भी अभी तक किसी ने भी मार्ग बनवाने की कोई रुचि नहीं दिखाई, उनको बस आश्वासन ही मिला है। सबसे मजे की बात तो यह है कि वह सड़क अभी तक नक्शे में भी दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पूरे गांव की मेन मार्ग से जोड़ती एकमात्र कच्चा सड़क ही है, जिस पर दोनों ओर से घनी झाड़ियां और हर वक्त वहां से गुजरने में एक डर लगा रहता है। वही सबसे ज्यादा उनको परेशानी बारिश के दिनों में होती है, जब सड़क जलमग्न हो जाती है और वहाँ कीचड़ हो जाता है। यही नहीं, उनके बच्चों को भी अपने विद्यालय में जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखकर भी अभी तक जिम्मेदार अपनी आंखें पूरी तरह से बंद किए हुए बैठे हैं। यही नहीं, उन्होंने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप लगाया है कि उसके पार्टी के न होने के कारण ग्राम प्रधान जांच करने आए लेखापाल को उल्टा सीधा बताकर गलत रिपोर्ट लगवा कर वापस भेज देता है। उधर जब सभी इस बात पर पलिया तहसीलदार आशीष कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह जल्द ही सड़क बनवाने की कोशिश करेंगे। मामला ये है हमारा कि ये रास्ता जो हम जिस रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं कि वे 86, 87, 88 से ये रास्ता हम लोग बसे हैं, यहाँ अब धीरे धीरे 10 घर लगभग हैं, 10-11 घर, और वो रास्ते से बच्चे पढ़ने जाते हैं, मोजा है दोनों तरफ खेत है और बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए मैं कई बार कहा कि ये रास्ता मतलब बन जाए, दरख्वास्त लगाया। फिर पड़ोस में हुआ कि पड़ोसी जिनके खेत से रास्ता निकल रहा, उन्होंने बोला कि भाई इसके हम पैमाइश करेंगे, हमारी ज़मीन कम है, हमारी पैमाइश कराएंगे। हमने कहा ठीक है, पैमाइश करा लीजिए, कर से कितने दिन हो गया, हम लोग परेशान हैं, बरसात में दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हैं, इनको पैदल जाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, बस रोड पर खड़ी होती है, सांप, हर तरह की समस्याएं हैं। कि प्रधान हमारे हैं श्री राजेंद्र यादव, शुरू से हम कहते रहे कि बनवा देंगे, और हमारा एक ज़मीन का विवाद चल रहा है, इसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री, तहसीलदार, SDM, DM, ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, सबको मैंने कर चुका हूँ। तो वो कोई रिपोर्ट नहीं, लेखपाल आता है, लेखपाल पूछता है, जाता है, लेखपाल से पता नहीं से यार क्या साठगांठ है प्रधान की, कि अब किसका किसका मैं नाम बताऊँ, पहले भी ऐसा हुआ, कुछ पता नहीं है। और जनप्रतिनिधि को दिया है मैंने, खाद द्वारा विधायक जी को दिया है, सिर्फ उनके कार्यालय में। मामला देखिए, हमको बस यही रोड का ही है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से मतलब हम लोग रह रहे हैं, आज से करीब 20-25 साल 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और कई प्रधान आए गए, बहुत प्रयास किया गया ज़मीन के लिए, रोड के लिए, रोड नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रधान है राजेंद्र यादव, ये आज 4 साल से मतलब कह रहे हैं कि हम अब बनवा देंगे, कभी कहते हैं कि 10 दिन में पड़ जाएगी रोड, कभी कभी कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन, ऐसे मतलब बार बार झांसा देते हैं, बनवाते नहीं हैं। और आप देख सकते हैं सामने पड़ा है आपके मतलब इसे आने जाने में कितनी तकलीफ़ हो रही है बच्चों की, यहाँ पे सांप गोजर भी लगते हैं, बच्चों का स्कूल जाने में तकलीफ़ हो रही है, बरसात में आने जाने की दिक्कत होती है यहाँ पे, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे रोड के लिए, ये समझ लीजिए। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, कई जगह इसका एप्लीकेशन भी डाला, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। इस सबके लिए यहाँ पे बता चुके हैं आप, सब जगह एप्लीकेशन भी पड़ चुके हैं, लेकिन कोई मतलब कार्रवाई नहीं होती है। लेखपाल आता है यहाँ पे, प्रधान बातचीत करके अपना सलट लेते हैं मामला को, कोई मतलब कि उसको मतलब खाली आश्वासन देते हैं कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, बस बनवाते नहीं हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा आप लोग कोशिश करें कि जल्दी बन जाए। अभी तो गर्मी चल रही है तो सूखा सूखा है तो आराम से निकल जाते हैं, जब बारिश होता है तो रोड पे पानी लग जाता है, तब कीड़े मकोड़े का डर रहता है, मेड़ी पेड़ी पे चढ़ते हैं, टार्च लेकर जाते हैं, चाहे जाते ही नहीं है। यहाँ पे जब बारिश होता है तो हम लोग बहुत डरते हैं, और यहाँ पानी कीचड़ हो जाता है तो आने जाने में परेशानी होती है। मम्मी पापा सब प्रयास करते हैं कि रोड सही हो जाए, पर प्रधान नहीं साफ सही करवाते हैं, कुछ कर देते हैं,
बहुत साल हो गए हैं ये रोड अभी तक बना नहीं। एनबीसी न्यूज़ के लिए लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।